योगेश जी, रामगढ़ उपचुनाव में सभी दिग्गज दिग्गज नेता लोग पहुंच रहे हैं, वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमें वोट दे, इस बार हमें जिताए, नई नई चुनावी सरगर्मी में अपना अपना दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन आपका वहां कौन प्रचार प्रसार कर रहा है जी रामगढ़ उपचुनाव में, जो आप यहां एग्जाम देने हैं, आपका प्रचार कौन कर रहा है रामगढ़ उपचुनाव? देखिए, रामगढ़ उपचुनाव में प्रसार प्रसार जितने भी झारखंड के समझे कि रामगढ़ जिला की समझ लीजिए कि उपचुनाव में सभी बेरोजगार युवा जो है उन लोग का सौंप दिए हैं प्रतिनिधित्व रूप में, कि समझिए कि उन्हीं लोग रामगढ़ उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं जितने भी बेरोजगार छात्र हैं। रांची राजधानी से भी गया है क्या? रांची राजधानी से भी लड़का लोग गया है और हजारीबाग से भी कुछ लड़का लोग आए हैं, और जो रामगढ़ के बेरोजगार जो युवा हैं, जो दर्द भरा जख्मी भरे हुए हैं, उन लोग का सारा का आज जो है सौंप दिए हैं कि आप ही जो है समझे कि हम ही आज रामगढ़ उपचुनाव में उपचुनाव में खड़ा हुए हैं, और ज़ोर शोर से प्रचार कीजिए, और आज उन लोग को सौंप दिए हैं, और हम आज 12 बजे के बाद ही वहां पहुंचेंगे। और राज का मुखिया से आप लोग का टक्कर हो रहा है जी गोला में, उस देख रहे हैं कि मुखिया, राज का मुखिया अनूप सिंह हो चाहे बंधु तिर्की हो, उन लोग पहुँच रहे हैं। अरे, देश को या राज्य को बर्बाद करने में इन्हीं लोग का हाथ है, इन लोग का मत बोलिए, क्योंकि आज इन लोग विधायक मंत्री बन के एक स्थान नियोजन नीति खतियानधारी नहीं बना पा रहे हैं, और झारखंड के छात्रों के एमटेक बीटेक लड़का पीएचडी किए और लड़का बर्बाद हो रहे हैं, बताइए, इतना महंगा पढ़ लिख कर और कहाँ जाएंगे? वही चीज़ करना है तो स्कूल कॉलेज आप बंद कर दीजिए, सबसे बेहतर है। अरे, शिक्षा आप दे रहे हैं तो सही जगह घुसाइए, उसको लीजिए, आपका 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, 10 पोस्ट है, उस पोस्ट का आप एग्जाम लीजिए ना, आपको ज़बरदस्ती कोई खींचने नहीं मांग रहा है कि खींच नहीं रहा है कि आपको ज़बरदस्ती दीजिए नौकरी से, आपको निकालने बोल रहा है, जो सरकारी जो पंडित जितने भी सारे बहाली है, 10 पोस्ट है, 20 पोस्ट आप निकालिए, जिसका अंदर अच्छा जी, आप जा रहे हैं गांव देहात में तो क्या क्या बात रख रहे हैं, क्या क्या बात रहे हैं? उन लोग किसान बेटा है, सब किसान जो है गरीब मजदूर लोग हैं, अपना बोरिया बिस्तर लेके भेज दिए हैं, रांची हजारीबाग अच्छे अच्छे शहर भेजे हैं, और 2-3 हज़ार किसी तरह मजदूर करके काम करके भेजते हैं, पढ़ाते हैं, और वही जो समझाते हैं कि आपका बेटा नौकरी नहीं लगने की क्या कारण, अगर उस बेटा का नौकरी नहीं लगेगा तो बताइए उस बूढ़े माँ बाप या गरीब किसान बेटा के, गरीब किसान माँ बाप का क्या हाल होगा, बूढ़ा में उसका कोई सहारा मिलेगा? ये कलयुग है, आप समझिए कि कलयुग में क्या आपका ये जोरी है कि बीटेक एमटेक किए और लड़का को कम से कम रोजगार से? सुनने माता रामगढ़ में बड़ी पैसा छिटाता जी, कितना छिट रही हैं आप? अरे, बेरोजगार युवा क्या छीटेगा, खुद एक कलम होता है, कलम बंद कमरे में रहता है, पता है ना आपको, लेकिन पूरा दुनिया को झुका कर रखता है। हम वही एक बेरोजगार युवा, मेरा पास कलम है, हम एक कलम है, समझे कि मैं ही एक कलम है और पूरा दुनिया को हम झुका कर रखेंगे। प्रखंड से लेके गांव तक में बैनर पोस्टर लग गया जी। अरे, तो हम बिना बैनर पोस्टर के, देखिए, जो सही रहता है उसको बैनर पोस्टर की जरूरत नहीं, कलम कॉपी कभी देखे हैं कि इनका बैनर पोस्टर कहीं लगता है, अकेले रहता है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन पूरा दुनिया के झुका कर रखता है। लेकिन आप बोले कि पैसा के पूरा बटा रहा है, अरे, उन लोग के पैसा के बरसात होगा, मेरा बेरोजगार छात्रों को बरसात होगा, बूढ़े अंकल जितने भी गरीब किसान हैं, मेरा उन लोग का बरसात होगा, पैसा से सब चीज़ खरीदा नहीं जा सकता। तो ये थे योगेश भारती, आप लोग को दिखाता रहूँगा जाते जाते, क्या युवाओं को, लोगों को, बूढ़े लोगों को, रामगढ़ की वोटरधारियों को क्या कहेंगे, क्या रामगढ़ के जितने भी किसान जितने भी हैं, चाचा चाची या दादा जितने भी बेरोजगार युवा हैं, और आप लोग सोचिए कि कितने झारखंड राज्य का जो रामगढ़ जिला सबसे समृद्ध राज्य है, जिला है, जो 60% कोयला खनिज पाया जाता है, रामगढ़ जिला टॉप नंबर 1 में आता है, लेकिन आज कोयला बोल रहे हैं ख़त्म होते जा रहा है, बालू आज नहीं मिल रहा है, और गरीब किसान लोग आज शोषित होते जा रहे हैं, तो मैं उन लोग से अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी वोट है बेरोजगार युवा दे, और मैं अकेले हूँ, और 1 साल के लिए मैं वोट मांग रहा हूँ कि 5 साल के लिए नहीं, कोई तो पति पत्नी के लिए वोट मांग रहा है, कोई पति के लिए वोट मांग रहा है, सोच सकते हैं अनपढ़ विधायक लोग दो एक चीज़ बोल रहे हैं कि बोलने नहीं जानता है, धनिया जगह जनिया बोल देगा, उन लोग वोट मांग रहा है, लूट रहा है, और शिक्षित बेरोजगार लोग एमटेक बीटेक लोग रोड में घूम रहे हैं, तो ये जागरूक होइए, और सभी बेरोजगार युवा जितने भी हैं चुनाव मैदान में उतरिए, और बेरोजगार छात्रों को साथ दीजिए, और विधानसभा भेजने का काम कीजिए, क्योंकि विधानसभा बना है ग्रामीण लोगों के, ये विकास करने के लिए विधानसभा बना है, ना कि वो सिनेमा देखने के लिए बना है। ठीक है, हो गया।